एक हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा, जिन लोगों के विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है, शादी होने में लगातार विलंब चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगा। एक हल्दी की गांठ के छोटे से टुकड़े में वो क्षमता होती है, बड़े से बड़े पितृ दोष को समाप्त किया जा सकता है, बड़े से बड़े कुंडली दोष को समाप्त किया जा सकता है, बड़े से बड़े नजर दोष को समाप्त किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, जो माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर के, आप अपने बेटा या बेटी के शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं भी बातें चलाते हैं, बार बार ब्रेक हो जाती है, सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो आज का ये वीडियो बहुत अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं एक हल्दी की गांठ का ऐसा प्रयोग आपको बताता हूं, इससे शुक्र और बृहस्पति दोनों एक्टिवेट होते हैं, और जैसे ही शुक्र और बृहस्पति का आपके बेटा या बेटी के जीवन में बल बढ़ता है, तो शीघ्र विवाह का संयोग अवश्य बन जाता है। क्योंकि विवाह से संबंधित मैंने लाखों कुंडलियों के साथ रिसर्च करके देखा है, और आप मेरे ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर भी जाके देखेंगे, तो मैरिज से रिलेटेड हमेशा जानकारियां लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित रहा हूं, जिसमें विशेष करके आपका विवाह कब होगा, जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, शादी के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा, और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप अपना सकते हैं। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब करना, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। यहां पर नई नई जानकारियां लेकर के हमेशा आपके समक्ष में उपस्थित रहूंगा। अभी आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप मेरा वीडियो आसानी से देख पाएंगे। खास करके मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय है, किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाके एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां से लाखों लोगों को लाभ हुआ है, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए विषय पर आते हैं, और आज का जो वीडियो है वो है शीघ्र विवाह होने का महाचमत्कारी उपाय, एक हल्दी की गांठ का छोटा सा प्रयोग आपके बच्चों की शादी का रिश्ता कैसे तय करवा सकता है। तो देखिए, जिन लड़कों के विवाह में लगातार विलंब चल रहा है, तो उनको शुक्रवार के दिन ये क्रिया करनी होगी, और जिन लड़कियों के विवाह में लगातार विलंब चल रहा है, तो उनको ये प्रक्रिया गुरुवार के दिन करनी होगी। माता पिता अपने बच्चों के लिए इस विधि को संपन्न कर सकते हैं, या लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए करना चाहते हैं तो वो स्वयं भी इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा होना चाहिए, एक हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा आपके पास होना चाहिए। आप सुबह या शाम कोई भी समय का चयन कर सकते हैं, जो भी इस विधि को करेगा वो स्नान करने के पश्चात इस विधि को करना है, और इसको तुलसी माता के समीप जाके करना है। तुलसी का पौधा घर में होना अनिवार्य है, जिनके पास है अच्छा है, जिन लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो वो एक ला करके गमले के अंदर तुलसी माता का पौधा लगा लेंगे। तो देखिए, सुबह स्नान करने के पश्चात कोई भी सवाया टाइम डिसाइड करना है जब आप इस विधि को कर रहे हैं, जैसे 7:15, 6:15, 8:15, 9:15, कोई भी ऐसा एक समय आप निश्चित कर लीजिए, सुबह के समय कर रहे हैं जब भी, और शाम को कर रहे हैं तब भी ऐसा ही आपको करना होगा। आपके पास मौली होनी चाहिए, एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास केसर, यदि आप घिस करके केसर का एक चंदन लेप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। केसर को घिस के अगर आप चंदन तैयार कर लेते हैं, एक पासे पे रख करके पीले चंदन के साथ आप केसर को घिस सकते हैं, या पीले चंदन का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सबसे पहले तुलसी माता के समीप एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें, और यदि गंगा जल आपके पास है तो हल्दी की गांठ जो आपके पास है उस पर गंगा जल का सबसे पहले आपको छींटा मार देना है। उसके बाद आंख बंद करके बिल्कुल ध्यानस्थ होके सबसे पहले जो आपके कुल के कोई भी देव हैं, कोई देवी हैं या देवता हैं, तो उनसे अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें कि मेरे बच्चा या बच्ची के जीवन में जो लगातार विवाह में रुकावटें बाधाएं चल रही है, आप इसे जल्दी से जल्दी दूर करना, आपका शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार से प्रार्थना करके उसके बाद आप अपने पितृदेवों से प्रार्थना करें, उसके बाद आप तुलसी माता के चरणों में विनम्र प्रार्थना करें, और ये क्रिया करने के पश्चात जो आपके पास हल्दी की गांठ है
और जो आपने केसर का लेप तैयार किया है या पीले चंदन का लेप तैयार किया है उससे तिलक लगाना है आपको हल्दी की गांठ पर। जब आप पहला तिलक लगा रहे हैं तो तिलक लगाते हुए यह भावना अभिव्यक्त करें कि मेरा बेटा या बेटी की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी शनि राहु या मंगल के कारण कोई दोष बन गया हो जो विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो हे तुलसी माता उसको जल्दी से जल्दी इस दोष को समाप्त करना। ऐसी भावना करके आपको पहला एक तिलक उस हल्दी की गांठ पे कर देना है, फिर आपको दोबारा एक तिलक लगाना है। दोबारा जब आप उसमें दूसरी बार जब तिलक लगा रहे हैं तो आपको भावना करनी है कि मेरे बेटा या बेटी के जीवन में किसी भी प्रकार के कोई नजर दोष के कारण विवाह में बाधा चल रही है तो वो दूर हो जाए। ऐसी भावना करते हुए आपको दूसरा तिलक लगा देना है। जब तीसरा आप तिलक लगा रहे हैं तो आप विशेष करके प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार का मेरे बेटा या बेटी के जीवन में कोई पूर्वजों के दोष के कारण, पितृ दोष के कारण विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो हे तुलसी माता इसे आप समाप्त करना। इस प्रकार से तीन बार आपने उस हल्दी की गांठ पर तिलक लगाया और एक मूली का टुकड़ा उसको 7 बार लपेट देना है। उस हल्दी की गांठ पर आपने 7 बार लपेट दिया, उसके बाद आपको वो हल्दी की गांठ जो तुलसी का पौधा है उसके समीप रख देनी है और एकदम तन्मयता से, भावपूर्ण श्रद्धा भाव से तुलसी माता को प्रणाम करें कि हे मातेश्वरी सभी प्रकार के दोषों का हरण करना और मेरे बेटा या बेटी की जो कुंडली में किसी भी प्रकार का अमंगलकारी दुर्योग बना उसको समाप्त करके आपका आशीर्वाद प्रदान करना ताकि जल्दी से जल्दी विवाह का योग इसके जीवन में बन जाए। ऐसी प्रार्थना करके जो हल्दी की गांठ है आपको उस गमले के अंदर थोड़ा सा प्रेस करके दबा देना है, यानी उस मिट्टी के अंदर दबा देना है आपको, हल्दी की गांठ को आपको दबा देना है। अब आपका विशेष कार्य शुरू होता है। आप सुबह का समय डिसाइड करें या शाम का समय डिसाइड करें, इस प्रक्रिया को करने के बाद जिस दिन आप इस क्रिया को करते हैं उसी दिन से, ध्यान रहे ये क्रिया लड़कों के लिए यदि करनी है तो शुक्रवार के दिन आपको करनी है और लड़कियों के लिए करनी है तो ये क्रिया गुरुवार के दिन आपको करनी है। इस क्रिया को किया है उसी दिन से 21 दिन रोज एक कोई भी सुबह या शाम का समय डिसाइड करें, उस समय घी का दीपक तुलसी माता के समीप जला करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह हेतु आपको प्रार्थना करनी है। ये क्रिया 21 दिन तक करनी है, लेकिन खास बात यह कि समय इसमें आपको चेंज नहीं करना। जैसे सुबह आप 6-7 बजे करते हैं, 6-6:30 बजे के आसपास करते हैं तो यही टाइम रखना है। शाम का कोई भी समय रखते हैं आप 7 बजे तो 7 बजे के आसपास ही आपको कर लेना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन सुबह किया एक दिन शाम को किया। ये बहुत सरल विधि है शीघ्र विवाह की जिसे आप घर में ही संपन्न कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, कोई भी विधान कोई भी विधि जितनी ज्यादा समर्पण भाव होता है, सच्ची सिद्धत होती है, सच्ची तन्मयता होती है, जितना ज्यादा हृदयांगम भाव आपका बलवान होता है उतना ही शीघ्र परिणाम देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों के विवाह में देरी बनी हुई है, किसी के बेटे की शादी होने में लगातार विलंब चल रहा है, किसी की बेटी की शादी होने में लगातार विलंब चल रहा है, तो माता पिता इस विधि को अवश्य संपन्न करें। इस विधि के शुभ प्रभाव से शुक्र और बृहस्पति दोनों एक्टिवेट होते हैं और विवाह होने का शीघ्र शुभ संयोग अवश्य जीवन में देखने को मिलेगा। तुलसी माता के चरणों में पूर्ण भाव से प्रार्थना करके ये 21 दिन जो दीपक जलाने की प्रक्रिया है इसको आप जरूर संपन्न करिएगा। और प्रिय दर्शकों, विवाह से रिलेटेड आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां चाहिए, शादी कब होगी, शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी विवाह कैसे हो सकता, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतनी सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज बना दिए हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित में हैं, आपको भी अवश्य अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा और देखते रहें आप लगातार हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।